जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो देवशयनी एकादशी के दिन हमें धन वैभव प्राप्त करने के लिए किन चीजों का दान करना चाहिए? देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी को भगवान विष्णु का शयन काल माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास शुरू हो जाते हैं और अगले 4 मास तक सभी मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। देवशयनी एकादशी 29 जून को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 28 तारीख रात्रि 3:18 से शुरू है और एकादशी तिथि समाप्त है 29 तारीख को रात्रि 2:46 पर। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा करना शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित करके इनकी पूजा आराधना करने के बाद भगवान विष्णु को 4 मास के लिए शयन कक्ष में सुलाया जाता है। आप अपने घर में भी शालिग्राम की विधिवत पूजा करके उन्हें शयन कक्ष में विश्राम करवा सकते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। हरिशयनी एकादशी पर हमें किन चीजों का दान करना चाहिए? देवशयनी एकादशी पर व्रत करने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती है। देवशयनी एकादशी के दिन पीली वस्तु दान करना या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तुलसी के पौधों का दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही केले के वृक्ष की पूजा करना भी आवश्यक माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें अथवा विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।